सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। बढ़िया होंगे तो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम एक ब्लूटूथ, जो देख सकते हैं कि पीवीसी से हम ब्लूटूथ बनाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं कुछ कटिंग कर लिया हूं, जो मेरे पास कुछ ये पीवीसी की कटिंग है, जो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे तरीके से। बट मैं इनमें थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेस भी कर दिया हूँ, स्प्रे मार दिया हूँ थोड़ा सा, ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से मैंने इनका सारा कटिंग कर लिया हूँ कुछ इस प्रकार से, ताकि इस पे स्टूल पे कचड़ा ना हो, इसलिए मैंने पहले से करके रखा हूँ। तो चलते हैं और दिखाते हैं बना करके कैसा बन के रेडी। बटन जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रही है आप लोगों को, तो मैं इनमें फिट करूँगा जो मैंने कुछ इसको कटिंग किया है। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से, तो ये शायद उल्टा है, तो हमें इधर से फिट करना पड़ेगा, तब ये बाहर दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और दोस्तों अब हम इसको इस प्रकार से यहाँ से चिपकाएंगे, तो देख सकते हैं कि मैं इसमें कुछ इस प्रकार से इसको इस पर रख के हल्का सा इसमें फेविक्विक डालूँगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा इसमें फेविक्विक डाल लेते हैं, ताकि ये पकड़ ले ले। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें सबसे फर्स्ट नंबर में बैठा देना है अच्छे से। तो देख सकते हैं कि ये बैठ चुका है। दोस्तों हमें फिट करना है इनको, या फिर हम इसको भी फिट कर सकते हैं, तो पहले इसको फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें इसमें भी लगाना है इसको। और देख सकते हैं कि मैं इसमें तो किट भी चिपका दिया हूँ, और दोनों तरफ से अच्छे से मेल्ट भी कर दिया हूँ, जो मैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल की मैंने निकाला है। मेरे पास ख़राब ब्लूटूथ पड़ा था, तो उसी से मैंने निकाला इसको। और देख सकते हैं कि इधर कितना अच्छे से दिख रहा है इसमें। और दोस्तों इसमें डालते हैं, और इसको भी हम इस प्रकार से कुछ चिपकाते हैं, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, तो दोस्तों अच्छे से चिपक जाए। तो डालते हैं, इसको भी चिपकाते हैं, और इसके ऊपर से फिर इसको लगाएंगे। बट इसको बैटरी लगाना है हमें पहले, इसका कनेक्शन करना है। तो हम चलो दिखाते हैं कनेक्शन करके। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरे पास वायर्स, जो मैं इस एयरफोन का काट के निकालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कट करने वाला हूँ, जो देख सकते हैं न्यू है मेरे पास, और मैं इसी को कट करके बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ से मुझे कट कर लेना है, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है उसको साइड कर देना है, और इन दोनों वायर्स को हमें कुछ अलग अलग करके निकाल लेना है इधर से। तो थोड़ा थोड़ा कट करके हमें इसको इस प्रकार से निकाल देना है, ताकि इसकी वायर्स निकल आए। तो देख सकते हैं कि मैं दोनों वायर्स को कुछ इस प्रकार से छील लिया हूँ, और इसमें हल्का सा वो टेप लगा रहता है, जो पन्नी पोलोथीन लगी रहती है गाइस। तो मैं इसको माचिस की मदद से इसको मैं निकालने वाला हूँ, तो दिखाते हैं निकाल के। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें इसकी वायर्स को जला देना है अच्छे से, और दोनों वायर्स को हमें कुछ इसी प्रकार से जलाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने जला दिया है। अब इसको, इसका जो ऊपरी भाग है कुछ, हमें इस प्रकार से हल्का हल्का इसको घस देना है, ताकि इसकी पन्नी छूट जाए, और इसको भी हमें घसना पड़ेगा हल्का सा। देख सकते हैं किस तरह से मैंने घस के रेडी कर लिया हूँ। अब हम इस किट में कुछ इस प्रकार से चिपकाने वाले हैं, और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों करते हैं इनका कनेक्शन, जो देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये हमेशा रेड वायर्स जो होती है, ये हमेशा प्लस होती है, और ये माइनस होती है। तो कुछ इसी प्रकार से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि ये इधर वाली माइनस है, और उधर वाली प्लस है, जो देख सकते हैं ये है। तो हम इसमें करते हैं फटाक से कनेक्शन, और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो इसमें हमें फटाक से ज्वाइंट कर देना है सोल्डिंग। तो हम प्लस को प्लस में कर देंगे, और माइनस को माइनस में, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस वायर्स को हम इसमें फिट करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से वायर दोनों कनेक्टर हो चुकी हैं। अब दोनों सिंगल हैं, और दोनों वायर्स को हम, ये दूसरी वायर्स है जो देख सकते हैं, तो हम इसमें भी कुछ इसी प्रकार से दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आपको भी कुछ इसी प्रकार से कनेक्शन करना पड़ेगा, जो देख सकते हैं
बी प्लस और बी माइनस है जो, तो वो बैटरी की दोनों वायर्स हैं, और ये जो है आर प्लस और आर वन है जो ये एयरफोन्स की हैं तो माइक की हैं, तो हम इनमें कनेक्शन करते हैं, तो दिखाते हैं आपको कनेक्शन करके। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमेशा याद रखना प्लस को प्लस में जोड़ना पड़ेगा और माइनस को माइनस में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं दोनों में कनेक्शन कर दिया हूं। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं कि बन के रेडी हो चुका है जो आप लोगों के सामने। मैंने बैटरी के बैटरी में बी माइनस और बी प्लस में बैटरी वाली वायर्स जोड़ दिया, आर प्लस आर वन में माइनस में मैंने एक वायर्स फांस दिया है, और ये है ब्लूटूथ की हेडफोन की जो देख सकते हैं वायर्स, जो दो वायर्स लगती हैं इसमें और दो वायर्स इसमें, दोनों में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, ओनली खाली इसका ऊपर का कवर लगाने का बाकी है, तो हम लोग ऊपर का कवर भी लगा के दिखाते हैं, लगाते हैं फटाक से और फिर दिखाते हैं आपको कि कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने फाइनली इसको हटा करके मैं इसको लगा दिया हूँ, ताकि ये व्हाइट मेरे पास पड़ा था जो मैं एयरफोन्स का निकाल लिया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखने में आप लोगों को लुक दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ऑन करके क्या ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बीच वाली बटन को ऑन करेंगे, जो देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये ऑन हो गया है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। और मैं आप लोगों को स्पीकर में लगा के दिखाई दे रहा हूँ इसको कि ये वॉइस आवाज़ दे रही है कि नहीं, तो बस इसी को हम दिखाने वाले हैं अभी। तो गाइस देखा आपने, सुना कि किस तरह की आवाज़ आ रही है, और एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं, और ये भी गाइस आवाज़ दोनों आवाज़ दे रही हैं। तो दोस्तों देखा कि कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, बट मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसमें कनेक्ट करके नहीं आप लोगों को सुना सकता, ना ही दिखा सकता आप लोगों को। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।